हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सफ़ी स्टडी जी के। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सीरीज़ जो कि रीजनिंग की चल रही है उसका पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कराए थे, ये नंबर सीरीज़ जो रीजनिंग की है उसका पार्ट टू है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 142 और उसके बाद 49, 422 उसके बाद 64, क्वेश्चन मार्क 53 और 169। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, जैसे इससे पहले वीडियो में बताया कि जब इस टाइप की मिसिंग नंबर की सीरीज आए तो दो तरीके के सॉल्व होती है। एक इस तरीके से, मतलब इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद फिर नहीं सॉल्व होगा तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब ये इस तरीके से तो इसकी कैलकुलेशन होगी नहीं, तो अब जब इस तरीके से नहीं होगी तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, 1 है, 1, 4 और 2, यानी कि इस तरीके से। तो 1, 4 और 2 को 49 लिखा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 49 नहीं आएगा, प्लस करेंगे तब भी 49 नहीं आएगा। तो जब ऐसा, जब मतलब मल्टीप्लाई करने से और प्लस करने से 49 ना आए तो फिर हमें देखना है कि ये नंबर का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। तो अब इसको देखेंगे स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर इसको करना है तो फिर इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे, जैसे 1 + 4 + 2 = 4 × 2 = 7। ये हमारा जोड़ने पे 7 आ गया, मतलब इनको जो है प्लस करने पे, तीनों नंबर को प्लस करने पे 7 आ गया। अब अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब द नंबर हैव मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 7 × 7 = 7×7 = 49। तो यहाँ पे ये 49 जो है आ रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, अगर इसी तरीके से दूसरा हो रहा है तो हम इसका आंसर इसी तरीके से निकाल देंगे। दूसरा देखते हैं, 4, उसके बाद प्लस किया था 4 + 2 + 2 = 4 × 2 = 8, ये 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 = 64, तो ये 64 भी यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब नंबर जो ऊपर के तीन नंबर हैं उनको प्लस करके जो आए उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना है। तो अब ये तीसरा है, तो इसमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद +5 और +3, और ये 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। तो 5 × 3 = 8, अब 8 में क्या जोड़ेंगे जो 13 हो जाएगा, अगर 8 में हम 5 जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13, और 13 का अगर हम जब स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे 13 × 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 169, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आंसर जो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। देखिए, को रीजनिंग में आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि किस तरीके से नंबर सॉल्व होगा, क्वेश्चन कायदे से देखना है, समझना है, उसके बाद सीधा सीधा रख के सॉल्व कर देना है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया है कि स्क्वायर नंबरों का और सीरीज़ कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे पीछे जा रही है, वो सब उसमें बताया। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक सीरीज दी है जो है 2, 3, 5, 9, 17 और 33, यानी कि ये नंबर सीरीज जो है आगे बढ़ रही है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले इसका डिफरेंस देखना है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी 3 × 5, ठीक।
और इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, और इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, और इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। देखिए ये इस तरीके से इसमें ये 16 का डिफरेंस है, यानी कि नंबर सीरीज आगे बढ़ रही है और डिफरेंस होते हुए चला जा रहा है, यानी कि पहले में दो में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में दो जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में जब ये 16 जोड़ेंगे तो 17 × 2 = 34 -1 यानी कि 33 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक मतलब दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद अगर ऐसे आप ना सॉल्व करना चाहें तो एक जो बहुत आसान तरीका है उससे सॉल्व हो सकता है। तो देखिए ये तरीका देख लीजिए, देखिए अगर हम इसमें ये करें 2 × 2 = 4 और अगर हम -1 कर दें तो ये 3 जो है हमारा आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ गया, ये पहला जो मतलब मिसिंग नंबर है वो निकला है। उसके बाद अगर 3 × 3 कर दें हम, 3 × 2 कर दें, 3 × 2 कर दें, मतलब 3 × 2 कर दें, 3 × 2 कर दें, अगर 3 × 2 = 6 फिर -1 कर दें तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि ये दूसरी वाली सीरीज आ जाएगी। उसके बाद ये 5 है, 5 × 2 कर दें, 5 × 2 = 10, उसके बाद इसमें -1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि ये भी आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं 9 × 2 कर दें, 9 × 2 = 18 -1 = 17, ठीक है 17 आ गया। उसके बाद 17 × 2 कर दें, 7 × 2 = 14 1 + 2 = 2 + 3 यानी 34 -1 = 33, ये सीरीज निकलती चली जा रही है, इसी तरीके से निकालनी है। अब 33 और × 2 अगर हम कर दें तो कितना हो गया, 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6 और -1 जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे 65 आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क है इसके बाद 33 के बाद हमारा 65 आ जाएगा। देखिए सिर्फ लॉजिक को समझना है और ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें 1 बढ़ रहा है और इसमें जो है 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत आसान तरीका है, और जितना आसान तरीका होगा उतनी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको उस तरीके से सॉल्व करना है तो ये जो डिफरेंस आ रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था +2 + 4 + 8 + 16 + 32, ये जो डिफरेंस आ रहा था तो ये 32 आया। अब 32 में मतलब ये जो ऊपर वाला डिफरेंस आ रहा था ये दोनों को जुड़ रहे थे, मतलब 2 में 1 जोड़ा 3 तो ये किए, उसके बाद 3 में 2 जोड़ा फिर 5, उसके बाद 5 में 4 जोड़ा फिर 9, उसके बाद 9 में 8 जोड़ा फिर 17, उसके बाद 17 में 16 जोड़ा फिर 33। अब 33 में हम 32 अगर जोड़ देंगे, 33 + 32 तो हमारा 65 आ जाएगा। लेकिन जो इससे पहले वाला कराया वो ज़्यादा इजी है, तो जो आसान लगे आपको मेरे हिसाब से तो इससे पहले वाला इजी, लेकिन जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सीरीज दी है और उसके बाद नंबर लिखा है, यानी कि 1 + 5 को लिखा है 18, तो हमें देखना है कि 1 और 5 को इन्होंने 18 कैसे लिखा है। तो दिमाग लगा के हम जोड़ेंगे, तो 5 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो 5 + 1 = 6, और 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब देख के अगर 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 3 = 18। अगर देखते हैं दूसरे में भी यही पैटर्न लग रहा है तो यही पैटर्न रख के सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 + 7 यानी कि 7 × 2 = 9, और 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, यानी कि इसी तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद है 3 + 9 = 9 × 3 = 12, और 12 × 3 = 12 = 36, 36 आ गया।
उसके बाद हमारा है 5 + 10, 5 + 10 इज इक्वल टू 15, 10 + 5 बराबर 15, और 15 × 3 यानी कि 15 × 3 = 45, 45 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 20 + 4, 20 + 4, तो 20 और 4 कितना हुआ 24, और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 × 3 = 12 का 2 एक हासिल, और 3 × 2 = 6 = 7, यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, लॉजिक लगाना है, और एक तरीके मतलब ऊपर से शुरू करते हुए एक में देखना है, उसके बाद जिस तरीके से लॉजिक लगे उसी लॉजिक से निकाल के आंसर को सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 72 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 72 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें देखना है, लॉजिक लगाना है, क्या करना है, तो देखते हैं। 1 + 3 को यानी 1 + 3 को यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 34। तो अब इसमें आपको देखना है कि 1 + 3 को इन्होंने 34 कैसे लिखा है, 5 + 2 = 7 को इन्होंने 27 कैसे लिखा है। देखिए 1 + 3, 3 और 1 क्या हुआ 4 हो गया, और ये वाली संख्या जो पहले वाला नंबर है उन्होंने ये लिख दिया, 34 आ गया। अब नीचे भी अगर ऐसे ही हो रहा है तो सीधे रख के फॉर्मूला रख के सीधा निकाल देंगे। नेक्स्ट 5 + 2, 5 + 2 = 7, और ये पहली संख्या 2 = 27। ठीक है, उसके बाद 5 + 1 = 5, 1 = 6, और ये पहली वाली संख्या, मतलब दोनों को प्लस करके जो इधर पहली वाली संख्या है उसको रख देना है, 16 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 3 + 5 = 5, 3 = 8, और ये पहली वाली संख्या 5, 58 हो गया, ये 58 बन गया, मतलब इसी तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद है 2 + 4 = 4, 2 = 6, और 6 ये पहली वाली संख्या यहाँ पे क्या है 4, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारी 46 आ जाएगा। तो ये 46, देखिए सिर्फ आपको लॉजिक देखना है और हल्का सा दिमाग लगाना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर ये रीजनिंग आप लोगों ने सॉल्व कर ली तो 25 नंबर आपके किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम देंगे, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए लेवल की कैटेगरी तक, सब में आपको रीजनिंग मिलेगी और 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और पूरे नंबर मिलेंगे जिससे आप इंग्लिश पे, मैथ पे और जीके पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि 9 और 6 को 45 कैसे लिखा है, 12 और 7 को 95 कैसे लिखा है, और 8 और 3 को ये क्वेश्चन मार्क जो है ये यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इनको क्या किया है जो 45 कर दिया है, और 12 × 7 को 12 × 7 को 95 कैसे लिखा है, और 8 × 3 को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास क्या आएगा। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 9 = 54 हो जाएगा, 45 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर हम इसको इधर से प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 − -9 करेंगे 3 आएगा, नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 12 और 9 = 21 हो जाएगा, 12 और 9 = 21 हो जाएगा, फिर भी 8 नहीं आ रहा। तो जब हर तरीके से कैलकुलेशन कर लें, मतलब इधर से भी कैलकुलेशन कर लिया आंसर नहीं आया, इधर से भी कैलकुलेशन कर लिया आंसर नहीं आया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, डिवाइड भी करके देख लिया, किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, तब हम देखते हैं कि ये नंबर का कहीं स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद हम नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं। अब हम देखते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है 9 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है द नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 9 × 9 करेंगे जब हम तो 81 हो गया। ठीक है,
उसके बाद सिक्स है, सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, सिक्स इंटू सिक्स करेंगे अगर हम तो 36 हो गया, यानी कि 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया और 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। अब 81 और 36 आ गया हमारा, 81 81 कॉमा 36। अब अगर अब यहाँ पे देखना है कि 45 लाना है, अगर हम इसको माइनस कर दें, 81 माइनस 36 देखो माइनस 36, 11 में 6 गया 5 बचा और 7 में 3 गया 4 बचा, यानी कि 45 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज़, सिर्फ दोनों का स्क्वायर किया है, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद माइनस कर दिया तो 45 12। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही 12 का स्क्वायर हम करेंगे। देखिए स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जितनी देर मल्टीप्लाई करेंगे उतनी देर में स्क्वायर आप कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 × 7 = 49। अब 144 में से जब हम 49 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, 14 में 9 गया, 9 × 5 = 14, और 13 में 4 गया, 9 × 4 = 13, 95, यानी कि ये 95 भी आ गया, यानी कि ये वैसे ही होगा, इसी तरीके से निकलेगा जो क्वेश्चन मार्क है उस पर भी यही सब। अब 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 8 स्क्वायर 8 का, जैसे कि हमें पता है 64 होता है, 64 होता है, और 3 का स्क्वायर जैसे हमें पता है कि 9 होता है, 3 × 3 = 9। अगर 64 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सीधा सीधा हमारा 55 बच जाएगा यार, 55। तो ये 55 जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। देखिए जब किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ना इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे, ना इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे, ना जो है प्लस करने पे, ना माइनस करने पे, ना मल्टीप्लाई करने पे, ना डिवाइड करने पे, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि कहीं नंबर का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, उसके बाद स्क्वायर करके देख के आंसर निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे लेवल टफ होगा, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देंगे रीजनिंग ज़रूर पूछी जाएगी, और रीजनिंग ऐसी है कि अगर आपने पढ़ ली, दिमाग में समझ ली, तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, 25 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक, यानी कि ग्रुप डी से यूपीएससी लेवल तक की रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई और टॉपिक चाहते हैं आप लोग तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो भी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, और इसके बाद एक वीडियो आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, एमसीक्यूज पे, क्योंकि अभी इस समय प्रेजेंटली बहुत से एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो में किसी भी तरीके की कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो टॉपिक आपको उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।